अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मौलाना शब्बीर अली खान साहब जो आलिम हाफिज़ है, आलिम दीन है, दीन का काम करते हैं, उन पर खातिलाना हमला हुआ है। रोज़ जुम्मा 10 मुहर्रम को जब वो मस्जिद में निगमपल्ली तारा नगर की मस्जिद में असर की नमाज़ पढ़कर वापस हो रहे थे, उन पर खातिलाना हमला हुआ है। खातिलाना हमला एक दो आदमी नहीं बल्कि 8 से 10 लोग मेरे शोहर पर हमला कर दिए हैं और उनको इतना ज़ख्मी कर दिए हैं, उनकी लंग्स इंज्योर हो गए हैं, उनके रिब में क्रैक आ गया है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं आशिया तस्लीम, मेरे शोहर शब्बीर अली खान, जिनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि मेरी आवाज़ केसिया सर और डीसीपी तक जाए और मुझे इंसाफ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू साहब। ये हज़रत मौलाना शब्बीर अली खान साहब उस्सामी है, इनके ऊपर जो है जुम्मे के दिन असर की नमाज़ पढ़ने इन्होंने मस्जिद हुसैनी तारा नगर लिंगमपल्ली गए थे। वहाँ तारा नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ के से निकल रहे थे, 8-10 गुंडे मिलके जो है इनके ऊपर जानलेवा हमला करके जो है जान लेने की कोशिश कर रहे थे। मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने गए तो मस्जिद के अंदर जानलेवा हमला कर दिए और इतना मारे उनको 8-10 लोग मिलके कि उनकी दोनों फसलियां टूट गए और राइट हैंड जो है फ्रैक्चर हो गया, पूरी बॉडी में मारा है उनके, इतना मारे लोग, ये 8-10 लोग गुंडे मिलके अकेले आदमी को मस्जिद के अंदर मार रहे और जान ले लेते थे उन लोगों, उनको उनकी जान चली जाती थी, लोग बीच में आके जो है उनको बचाने से बच गए। इतना बड़ा हमला हुआ उनके ऊपर, फौरी पुलिस को कंप्लेंट करे तो पुलिस आई और जो है उनको एम्बुलेंस को बुला के एम्बुलेंस में डाल के ले जाके अर्चना हॉस्पिटल में एडमिट करे और 5-6 दिन तक उन्होंने हॉस्पिटल में आईसीयू में थे, इतनी तकलीफ हुई उनको। और फौरी हम लोग जो है चंदानगर पीएस में जो है कंप्लेंट करे, कंप्लेंट करके जो है वहां पे उन लोगों को ये जो गुंडे को लोग हैं मारने वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं, महल्ले में गुंडागर्दी चला रहे और जो वहां पे एक आदमी है पहले पुलिस वाला था कहते उन्हें तो बहुत बड़ी गुंडागर्दी चला रहा, ऐसा मस्जिदों में घुस के आलिमों को हाफिजों को मार के जो है उनकी जान लेने की कोशिश कर रहा, हमला कर दे रहा साहब। हम लोग जो है चंदानगर पीएस में जाके उन लोग खिलाफ कंप्लेंट करे, एफआईआर दर्ज करो बोले तो बहुत सुस्ती से काम कर रहे हैं साहब। 5-6 दिन हो गए जुम्मे का गुजर के उनको मार के और उन लोगों को अरेस्ट भी नहीं करे, अटेम्प्ट टू मर्डर केस होता ही है। तो इसलिए मैं तेलंगाना हुकूमत से, केसीआर साहब से और कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार साहब से और इसी तरह महमूद अली साहब जो होम मिनिस्टर है उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं और खासतौर पर हमारे मुसलमानों की जमात के सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब, आप तो मुसलमानों के कायदे साहब और आपके भाई जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब, आप लोग सब जो मुसलमानों के कायद है, आपकी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन माशाल्लाह पूरी दुनिया पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां जुल्म होता वहां आप आवाज उठाते, मजलूम की मदद करते, जालिम का मुंह काला करते साहब। ये तो आपका घर है, आपका इलाका है हैदराबाद, उसके अंदर मस्जिदों में घुस के जो है एक आलिम के ऊपर, एक हाफिज के ऊपर जानलेवा हमला हो रहा है साहब। जानों को खतरा हो गया हाफिजों के आलिमों की ऊपर, मस्जिदों में अगर हमला किया जाएगा तो ऐसा हैदराबाद में ऐसा होगा तो कैसा होगा साहब। हैदराबाद की मिसाल है कि हैदराबाद में मस्जिदों में और मुसलमानों को कोई पूरी हिफाजत है बोल के, लेकिन आपके इलाके में साहब ये मस्जिदों में घुस के गुंडे लोग जो है एक हाफिज आलिम के ऊपर जानलेवा हमला कर रहे हैं, उनको इतना मारे उनकी दोनों फसलियां टूट गए, राइट हैंड जो है उनका फ्रैक्चर हो गया, पूरी बॉडी में मारा है उनके। इसलिए आप लोगों से अपील करता हूँ साहब, आप लोग आगे आओ, आवाज उठाओ थोड़ा सा, ताकि जो है ये मस्जिद गुंडे लोग जो है, जो कोई काफिर नहीं है, हिंदू नहीं है, अगर कोई हिंदू काफिर होता तो हम लोग कितना आवाज उठाते, मुसलमान है, मारने वाले मुसलमान लोग हैं, तो आप लोग जो है आवाज उठाओ साहब, ये मौलाना कोई हाफिज को आप लोग जो है इंसाफ दिलाओ, ये पुलिस वालों से बात करके जो है एफआईआर फाइल कराओ साहब, एफआईआर फाइल करा के जो मुजरिमीन है, जो लोग जुल्म किए हैं, जो मस्जिद का एहतराम भी नहीं किए, आलिम का एहतराम भी नहीं किए और रोजे से थे मौलाना, उस दिन आशूरा का रोजा था, रोजे थे, रोजे की हालत में हमारे लोग इतने बड़ा जुर्म करे लोग, तो फौरन जो है इसके ऊपर एक्शन लो साहब। आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारों से, कायदीन से, असदुद्दीन अवैसी साहब से, अकबरुद्दीन अवैसी साहब से और उनके पूरे एमएलए से और पूरे मुस्लिम कायदीन से मैं अपील करता हूं साहब कि आप ये मौलाना की मदद करें प्लीज, उनकी जान को खतरा है, उनके छोटे छोटे 6 बच्चे हैं, अगर खुदा न खास्ता उनकी जान को कुछ हो गया तो उनके बच्चों की जिम्मेदारी कौन, कमाने वाले सिर्फ अकेले पड़ गए बिस्तर पे 2-4-5 महीने के लिए पड़ गए, अभी अब कमा के कौन डालेंगे साहब। इसलिए प्लीज आप उनकी मदद करें, उनकी फैमिली की मदद करें और ये जो मुजरिमीन है जो उनके ऊपर हमला किए हैं, बेजा हमला किए हैं साहब, उनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करें और उन लोगों को जो है एफआईआर करके उनको सजा दिलाने के लिए जेल को भेजें साहब,
ताकि उन लोगों को जो है मस्जिदों का एहतराम और आलिमों का एहतराम नहीं करने की सजा मिले और आइंदा मुस्तकबिल में कोई आदमी इस तरह की हमला करने की हिम्मत नहीं करे साहब। इसलिए आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है केसीआर साहब से और अंजनी कुमार साहब कमिश्नर साहब से और महमूद अली साहब होम मिनिस्टर साहब से और खासतौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सारे लीडरों से, माजिद हुसैन साहब है हमारा इलाका खरीब पड़ता लिंगमपल्ली तारानगर का इलाका खरीब पड़ता, आप आए थोड़ा सा आगे आए, आप असदुद्दीन साहब आप आगे आए, आपकी पार्टी आगे आए साहब, आप पार्टी आगे आगे जो है मौलाना को जो है इंसाफ दिलाए, उनकी जान को आज खतरा बढ़ा हुआ है। ऐसा लोग जो है मस्जिदों में घुस घुस के जो है आलिमों को हाफिजों को मारेंगे, मस्जिदों का एहतराम नहीं करेंगे तो भाई मस्जिदों आलिमों को हाफिजों को हिफाजत कौन करेगा, उनको उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी भाई आप लोगों के ऊपर है। इसलिए जो है आप लोग जो है आगे आगे जो है आवाज उठा के मौलाना की मदद करें। मसला कुछ भी नहीं था साहब, मसला सिर्फ इतना था कि बाजू का एक मदरसा है, वो मदरसे के ऊपर एक पुलिस वाला है, पहले पुलिस में काम करता था, कहते रिटायर्ड हो गया, अब मदरसे के ऊपर कब्जा करके बैठ गया, मदरसे को जितना चंदा आता पैसा आता वो सब खुद खा ले रहा, खुद खा ले रहा, वहां पढ़ाने वाले टीचरों को भी जो है सैलरी नहीं दे रहा, टीचर परेशान है। वो टीचर जो है हमारे मौलाना शब्बीर अली खान साहब के पास आए, उन्होंने चूंकि इलाके के जमीयत उलमा हिंद के सदर है, महमूद मदनी साहब की जो जमीयत है वो जमीयत उलमा हिंद के लिंगमपल्ली इलाके के सदर, उनके पास आए जरा हेल्प की मदद करे। तो एक इंसानियत के तहत मौलाना शब्बीर अली खान साहब अपनी टीम के तहत जाके उससे बात करे, भाई असातिज़ा की तुम सैलरी दो, मदरसे में पैसा है क्यों खा जा रहे हैं, अगर आप नहीं चला सकते तो दूसरी कमेटी बनाएंगे। इतनी सी बात बोलने पर जो है बातचीत अगर चल रही थी, बातचीत से मसला हल करने की कोशिश कर रहे थे, इन्हें दुश्मनी पकड़ के तेरे को रास्ते से हटा देते, तेरी फोड़ डालते, तेरे को मर्डर कर डालते, बल्कि धमकियां देकर जो है मस्जिद के अंदर घुस के मौलाना के ऊपर जान लेना हमला कर दिया। ऐसा जुल्म चलेगा साहब हैदराबाद में तो कैसा होएगा साहब। इसलिए आप लोग आवाज उठाओ, मौलाना की मदद करो, आलिमों की हाफिजों की हिफाजत की थोड़ी सी जिम्मेदारी आप पूरी करें। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अपील करता हूं कि जो है ये चंदानगर पीएस में आप लोग जो है आवेसी साहब आप बात करके जो है ना वो पुलिस वालों से बात करके ये मुजरिमीन के खिलाफ जो है 8-10-12 लोग है इनके खिलाफ एफआईआर फाइल कराएं और फौरन इन लोगों को अरेस्ट करने के लिए बोले, फौरन अरेस्ट करें इन लोगों को। 4-5 दिन से अरेस्ट नहीं करे तो दूसरों को बोल लेते फिर रहे, क्या रे छुट्टियां पहले की फिर रहा क्या, तेरे को भी देख लेते, तेरे को भी देख लेते, महल में गुंडागर्दी कर रहे हैं साहब। इसलिए इन लोगों को फौरन अरेस्ट करके जेल को भेजने के लिए हमारी मदद करें, बहुत बड़ा एक हाफिज आलिम की मदद करेंगे, अल्लाह ताला आपकी जरूर मदद करेंगे इंशाल्लाह। इसलिए अपील है साहब, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है आपसे, आप हमारी बात को हमारी अपील को सुन के जो हमारी मदद करें। जजाकअल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।